हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आप लोग सोचोगे यार कि आज हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अभी अभी हमें पता चला है कि आसपास में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें भाई बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड थे। तो अपन लोग हॉस्पिटल में पता लगाने के लिए आए। क्या हुआ है भाई? फोटो भाई बुबारो को भाई टेटा हुआ है। अबे भाई ये टेटा क्या होता है? फोटो भाई बेटा बोलना चाह रहा था मैं भाई, ये लो पकड़ो इसको। अबे किसका बेटा पकड़ा रहा है मेरे को? फोटो भाई पकड़ो तो यार, पहले फिर बताता हूं आपको। पकड़ो, जल्दी पकड़ो यार बच्चे को, मेरे को अभी जाना है भाई। अबे क्या कर रहा है भाई, किसका बच्चा पहले बता तो दे। फोटो भाई वो जो एक्सीडेंट आपने देखा भाई, वो और किसी का नहीं, हार्वर्ड स्टार का एक्सीडेंट हुआ था भाई, और उसमें उसके बॉम्ब डैड चले गए। अबे तो यानी कि ये बच्चा भाई तो वन एंड ओनली टोनी स्टार का। फोटो भाई अब क्या करे भाई, लोचा हो क्या है भाई, अब अपने को ही संभालने का है इसको। मेरे को पैसा दे दिया उन लोगों ने। अबे क्या बात कर रहा है भाई, अपन लोग टोनी स्टार को कैसे पाल सकते हैं यार? फोटो भाई अब अपन लोग के पास ऑप्शन नहीं है भाई, या तो ये करो नहीं तो उसको डस्टबिन में फेंक कर निकलते हैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है भाई। काम कर, तू गाड़ी निकाल, ठीक है? इसको गाड़ी में लेकर के चलते हैं। फोटो भाई तो अगर गाड़ी बचाने का है तो मेरे को एक सेकंड दो मिनट दो, मैं यू गया और यू आया भाई, मेरे को एक्चुअली कपड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, तू उधर जा और मैं यहाँ पे एक्सरे मशीन में चेक कर लेता हूँ गाइस कि कहीं इसको तो कोई डैमेज नहीं हुआ है। और भाई ये कैसे हो गया भाई, हार्वर्ड स्टार्क रोब्लॉक्स की गलियों में क्या कर रहे थे, वो भी टोनी स्टार्क को पेट में लेके? चलो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो अब यार टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और चौप तू रेडी हो गया? फोटो भाई फुल्ली रेडी हो भाई, आ जाओ गाड़ी में बैठते हैं भाई। अबे लेकिन गाड़ी होगी तब ना बैठेंगे भाई, कहाँ जाएंगे, पैदल जाएंगे क्या? फोटो भाई मैंने चीफ ऑफ सिक्योरिटी से बात कर लिया भाई, स्टार्क इंडस्ट्रीज में उन लोगों ने गाड़ी भिजवा रहे भाई वो लोग। हाँ जल्दी बुला भाई, गाड़ी के बिना कहाँ जाएंगे अपन लोग। ऑलराइट गाइस, तो अभी आपको जैसा कि देख सकते हो सिचुएशन भाई अंडर कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने टोनी स्टार्क को अपने हाथ में ले लिया है। और भाई आपको तो पता ही है स्टार्क इंडस्ट्रीज के कितने सारे दुश्मन लोग यहाँ पर घूम रहे शहर में, तो आज से ध्यान हम लोग रखेंगे। और जो आयरन मैन की कहानी आपने मूवी में देखी है कुछ वैसे ही कहानी चलेगी, लेकिन इस बार इस कहानी के मालिक हम लोग होंगे। तो आइए चलते हैं घर वापस। और अबे कहाँ गाड़ी ले जा रहे हो भाई? फोटो भाई ये बहुत भारी गाड़ी है भाई, अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी गाड़ी में यार सब कुछ अंधा पंधा सा हो गया है भाई। अबे रात भी है यार, इसीलिए तेरे को सब कुछ एकदम डार्क डार्क दिखाई दे रहा है। देख भाई ध्यान से गाड़ी चला, पता चला कि यार यहाँ पर अगर लोग हम आ गए ना भाई, अपन लोग को असासिनेट करने के लिए दिक्कत हो जाएगा भाई। ओ माय गॉड गाइस, स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक लौता वारिस हमारे हाथ में है और हमें इसे बहुत केयरफुली ले जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली घर कहाँ पे तेरे को पता भी है चौप? फोटो भाई सिक्योरिटी ने बोला तो यही कई लोगों ने घर खरीदा है भाई, इसके लिए एकदम सेफ हाउस खरीदा है भाई। अरे तो सेफ हाउस है कहाँ पे? फोटो भाई रुको यार, ढूंढने दो भाई, मैं भी पहली बार आया हूँ यार, एक सेकंड इस गली में तो नहीं दिखाई दे रहा है भाई कोई भी घर। हाँ तो चलो भाई चलते कहीं और, एक्चुअली घर का डिस्क्रिप्शन तो दे यार। फोटो भाई उस घर के बगल में एक ट्री हाउस है भाई, और उस घर को बहुत छोटा सा बनाया उन लोगों ने ताकि ज्यादा लोगों की नजर ना जाए उसके ऊपर। अच्छा तो कुछ वैसा एकदम छोटा सा घर बनाया है, चलो भाई तब तो ढूंढना पड़ेगा यार। और गाइस यहाँ पर तो मेरे को कोई भी ट्री हाउस नहीं दिखाई दे रहा है आसपास में, तो डैट मीन्स कि ये घर यहाँ पर नहीं है और हम लोगों को जाना पड़ेगा उस घर में जहाँ पर वो एक्चुअली है। तो रुको दो मिनट दो गाइस, मैं यू गया और उस घर को ढूंढ के यू आया। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों को ट्री हाउस मिल गया है और ट्री हाउस के बगल में ये रहा भाई छोटा सा घर। रुक 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 गाड़ी रोक भाई, जल्दी ले चल इसके अंदर, पार्क कर भाई इससे पहले कि यार किसी को पता चले, एक तो रात भी बहुत ज्यादा हो रही है गाइस। ऑलराइट पार्किंग एरिया में गाड़ी लगा दी है। अबे चौप जल्दी जा भाई घर को स्कैन मार के आ, कहीं अंदर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑलराइट फोटो भाई मैं यू गया और यू आया भाई, अब बाहर ही खड़े रहना। अबे जल्दी आ रहा भाई इससे पहले कि कोई स्नाइपर राइफल से अपनी खोपड़ी खोल दे यार। ऑलराइट गाइस लेट्स गो, कम ऑन चौप जल्दी कर। फोटो भाई घर क्लियर, अंदर आ जाओ भाई। ऑलराइट गाइस, तो जब यार हार्वर्ड स्टार्क का एक्सीडेंट हुआ तो मेरे दिमाग में ये भाई क्वेश्चन जरूर आई थी गाइस कि क्या इसके पीछे कोई टेररिस्ट ग्रुप का हाथ तो नहीं है। और मेरे को लगता है दोस्तों कि बहुत बड़ा चांसेस हो सकता है कि वो लोग टोनी के पीछे भी आए। तो अब हमें यार आयरन मैन को बचाना पड़ेगा, नहीं तो भाई इस दुनिया को आयरन मैन नहीं मिल पाएगा। ऑलराइट तो सबसे पहले तो इसको यार अपन लोग बाहर से लेके आए हैं, तो शावर में लेके चलते हैं। फोटो भाई यार आप उसको रगड़ के साबुन के जैसा इस्तेमाल कर रहे हो भाई, उसको साफ करना, आप खुद को साफ कर रहे हो, हटाओ मेरे को दो। अरे नहीं दोस्त मैं संभाल लूंगा भाई, बच्चों को हैंडल करना मेरे को सिखाने का जरूरत नहीं तेरे को। ऑलराइट अब इसको वॉश बेसिन में भी थोड़ा साफ कर देते, वो क्या आजकल कोविड वगैरह का सीन चल रहा है गाइस, यू नो सैनिटाइजेशन जरूरी है यार। ऑलराइट तो गाइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, तो काम करते हैं अपन लोग यहाँ पर जाते हैं लेकिन इसको सोने के लिए, और तुम भाई यहाँ पे गार्डिंग करो समझ गए? फोटो भाई जैसा आप कहो भाई, मैं एक भी मच्छर को भी अंदर नहीं घुसने दूंगा। हाँ ठीक है भाई, जल्दी लाइट्स ऑफ कर दे और अपना काम शुरू कर दे। ऑलराइट तो गाइस 5 साल गुजर चुके हैं और आप लोग देख सकते हो जो बेबी टोनी स्टार्क था वो अब काफी बड़ा हो चुका है और काफी कूल डूड भी लगने लग गया है। तो आप लोग देख सकते हो हमारे साथ ये भी स्कूल जा रहा है। अबे अबे गाड़ी को क्या हो गया? फोटो भाई ये टोनी स्टार्क ने भाई मेरी गाड़ी में इंजन फिट कर दिया उड़ने वाला भाई, ताकि अपन लोग उड़ते उड़ते स्कूल जाए। अबे नहीं भाई तुम चलाते चलाते ले जाओ यार, मेरे को इसके भाई टेक इन्वेंशन से कुछ लेना देना नहीं है, सेफ्टी इज आवर प्रायोरिटी गाइस। वैसे भी 5 साल का बच्चा भाई क्या ही कर रहा है भाई, गाड़ियों में उड़ने वाला इंजन फिट कर रहा है, बताओ ऐसा पॉसिबल हो सकता है? फोटो भाई भूलो मत भाई,
आदमी ने आगे चल करके आयरन मैन का सूट बनाया है भाई। ऑल राइट भाई, समझ गया, तेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, बार बार एहसास दिलाते देता है कि भाई कितने बड़े सेलिब्रिटी को लेकर अपन लोग यहाँ पर अपने साथ घूम रहे हैं। चलो भाई, इसका स्कूल आ गया है, अब टाइम है इसका भाई यहाँ पर जाके मस्ती करने का। वो क्या है गाइस कि अभी ये बच्चा है ना, तो इसको अपन लोग को डे केयर में ले जाना पड़ता है ताकि ये थोड़ा इंजॉय वगैरह कर सके, नहीं तो भाई बड़ा हो जाएगा तो यार बड़ा होकर तो ऑब्वियसली इसको लड़ाई कर रही है दोस्तों, अभी तो कम से कम मस्ती कर ले रहे थे। ये कौन है बे? छोटू भाई, एक और सर्वाइवर है भाई, उसका नाम मोटा भाई है। अबे यार नूब आदमी, लड़की का नाम मोटा भाई कौन रखता है? छोटू भाई, मेरे को भाई और कोई नाम नहीं पता चला, इसलिए मैंने मोटा भाई रख दिया यार। अबे भाई, इसीलिए बच्चों को तेरे हाथ में नहीं देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं गाइस, तो अब टाइम है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का डे केयर में, और उसके बाद हम लोग चलते हैं भाई यहाँ पर स्कूल में। ठीक है, स्कूल में एक्चुअली पढ़ाई भी शुरू होने वाली है, तो या लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में आ चुके हैं। और अबे चॉप, तू ही प्रिंसिपल है यहाँ का? छोटू भाई, मैं सब कुछ करता हूँ भाई, शहर का आधा काम मेरे से ही करवाते हैं ये लोग। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से इसका नाम लिखो भाई स्कूल के अंदर, नाम तो तुमको पता ही होगा। छोटू भाई, ऑलरेडी रजिस्टर भी कर दिया भाई, आपको दो बार बोलने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो आ जाओ टोनी स्टार्क भाई साहब, आइए आपको लेके चलते हैं आपके स्कूल में। एंड आई गेस गाइस इसको साइंस बहुत ज्यादा पसंद होगा, तो अपन लोग इसको साइंस पढ़ाने के लिए ले जाते हैं। अबे क्या टीचर भी तुम ही हो क्या भाई? छोटू भाई, सही सुना भाई आपने, टीचर भी मैं ही हूं स्कूल का भाई, तो जो भी पढ़ना है मेरे से पढ़ना पड़ेगा आपको। अरे नूब भाई, सारी चीजें तू ही करता है क्या स्कूल में? मेरे को और कोई दिखा क्यों नहीं दे रहा है? छोटू भाई, वो क्या है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से भाई स्कूल को बंद करवा दिया गया है भाई, एक ही बच्चा अभी स्कूल में पढ़ेगा, ये टोनी स्टार्क भाई। अबे यार तुमने तो भाई हद करवा दी भाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, इट्स अंडरस्टैंडेबल भाई, इतने बड़े लोग हैं अब इतना तो करवा ही सकते हैं यार इनके लिए। ऑलराइट, तो चलो भाई थोड़ा सा जिम वगैरह भी कर लेते हैं। वो क्या है गाइस कि फिटनेस बहुत जरूरी होती है, खास करके तब जब आप आगे चल के थानोस वगैरह से लड़ाई करने वाले हो, तो फिटनेस इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बास्केटबॉल खेलने आए। अबे बॉल अंदर क्यों नहीं जा रही है? छोटू भाई, टोनी स्टार्क को दो भाई, वो बॉल अंदर डाल के दिखाएगा आपको। अरे नहीं भाई, इतनी इजीली कैसे डाल देगा, ये बच्चा है भाई, इसके मुंह से तो बड़ा ये बॉल है। थोड़ा हटाओ यार, हमारे किस्मत में ही नहीं लिखा है क्या यार? छोटू भाई, आप तो एकदम नूब निकले भाई, एक सीधा इशारा भी नहीं लग रहा है आपसे। अबे यार रिम टच हो गया था गाइस, कम ऑन। अरे नहीं, बैक बोर्ड टच हो गया, डैम इट, कम ऑन, एक बॉल तो चला जाए यार। छोड़ हटा, मेरे को खेलना ही नहीं है। छोटू भाई, देखो मेरे को, देखो मैं मार रहा हूं भाई अंदर। हां मार, मैं भी देखता हूं भाई बड़ा इसके अंदर जा रहा है। ओ अरे भाई, तू तो प्रो निकला यार। छोटू भाई, ऐसे ही थोड़ी मेरे को चीफ ऑफ सिक्योरिटी ने भाई टोनी स्टार्क के लिए पॉइंट किया है। अबे यार मैथ्स क्लास में नहीं जाना है भाई, मेरे को मैथ्स क्लास बहुत डेंजरस क्लास है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, और ये देखो यहाँ पे रिलैक्स करने का भी एरिया दिया है इन लोगों ने, पेंटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, यहाँ पर रेस्ट रूम है, चलो वॉशरूम के अंदर चलते हैं। छोटू भाई, ये गर्ल्स बाथरूम है भाई, यहाँ से निकलो, बाहर जाओ भाई, आपको धक्का मार के बाहर निकालूंगा। अबे स्कूल में कोई जाता भी है? मतलब तूने तो अभी बोला यार पूरा स्कूल खाली है, तो क्या फर्क पड़ता है, दो ही लोग तो पढ़ने आ रहे, एक मोटा भाई दूसरा टोनी स्टार्क, तो यार किसी को भी ले जाए भाई, कौन ही देखने जा रहा है। ऑलराइट, तो गाइस लगता है आज हम लोगों का स्कूल जो है वो ओवर हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू गो होम एंड गेट रेडी। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हो मिस्टर टोनी स्टार्क यहाँ पर 24 इयर्स ओल्ड के हो चुके हैं, और उनकी पावर भाई अब पूरा का पूरा एक्सपैंड हो चुकी है, और अब उन्होंने फाइनली अपना मार्क 43 आर्मर तैयार कर लिया है। और आप लोग देख सकते हो अपन लोग भाई उसी की टेस्टिंग को देख रहे हैं, क्या जबरदस्त आर्मर है भाई, मतलब आयरन मैन ब्रो, जो बोला था भाई वो कर दिया इस बंदे ने। मतलब गाइस आप लोगों ने देखा जब हम लोगों ने बचपन में इसको उठा करके लाया था भाई, एकदम कितना क्यूट सा नन्ना मुन्ना सा था, उस समय हम लोगों ने सोचा भी नहीं था भाई कि ये एक ऐसी पीस ऑफ आर्मर को आगे चल के बनाएगा। आई मीन ऑब्वियसली हमें तो पता था, लेकिन मूवी के राइटर को थोड़ी पता था भाई, इनफैक्ट टोनी स्टार्क के मॉम एंड डैड को भी नहीं पता था। आई एम सो सॉरी कि वो लोग इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो वो देख पाते कि उनका बच्चा भाई कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और आगे चल करके दुनिया को भी बचाएगा। और तो और दोस्तों ये देखो भाई, क्या कूल है भाई, टोटली बैडएस लगता है यार पूरा का पूरा आर्मर। और तो और गाइस हमारे पास यहाँ पर रॉकेट्स भी आप लोग देख सकते हो, रॉकेट्स की पावर एकदम इनसेन है दोस्तों। और तो और गाइस मैं आप लोगों को बताना भूल गया, अपन लोग इस सूट का इस्तेमाल नहीं, एक्चुअली इस सूट का तो नहीं, लेकिन बाकी एक और सूट है हमारे पास, उस सूट का इस्तेमाल करके अपन लोग स्पेस में जा सकते हैं, और उस सूट का नाम है मार्क 21। तो यार ये सूट तो यार आपको पता होगा, मूवी में भी आई मीन आउट ऑफ स्पेस नहीं जा पाया था, मार्क 2 भी नहीं जा पाया था, तो अपन लोग अभी उस सूट को भी टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मिस्टर चॉप से मिल लिया जाए। कैसे हो मिस्टर चॉप? छोटू भाई यार मेरे को भी सूट दे दिया आयरन मैन ने भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को। हां चलते हैं भाई। यार ये कौन है भाई, कौन मार रहा है अपन लोग से पंगा लेगा तू है? अरे भाई आयरन मैन को ठोक दिया भाई इसने। ए भाई रुकना, काय को मारा पीटी कर रहा है यार, स्पेस जाना पड़ेगा गाइस, लगता है स्पेस जाना ही पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, टाइम टू कॉल आवर न्यू सूट, और आप लोग देख सकते हो मार्क 21 के साथ गाइस यहां पर रिड्यूस ऑल्टीट्यूड वाला मैसेज नहीं आता है, इसका मतलब समझते हो चॉप, मतलब कि यार अपन लोग स्पेस में जा सकते हैं भाई सूट का इस्तेमाल करके, और अभी अपन लोग वही करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हो 500 मीटर की ऊंचाई पे हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड अभी भी भाई हम लोग स्पेस में नहीं एंटर किए हैं, लेकिन किसी भी समय हम लोग ऑर्बिट के बाहर निकलने वाले होंगे दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए,
वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से कर देना। एंड लुक एट दिस, वी मेड इट। ओ भाई, अब आ गया गाइस, मतलब अब ज्यादा दूर थोड़ी जाने देंगे, नहीं तो यार गैलेक्सी के बाहर चले जाएंगे। और इस सूट के अंदर यार फ्यूल इकोनॉमी नाम की भी कोई चीज होती है भाई, तो ज्यादा उड़ने के बाद ऑब्वियस ही बात है कि इसमें फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अपन लोग स्पेस में हमेशा के लिए फ्लोट करते रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों देख रहे हो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार, यहाँ पर जो अर्थ है भाई वो स्पेस से एकदम देखने लायक है। और तो और गाइस, आयरन मैन का सूट भी ये वाला फुल गोल्डन कलर में बनाया है, आप लोग देख सकते हो। पता नहीं ये सूट उन लोगों ने मूवी में क्यों नहीं इंक्लूड किया, बट दिस लुक्स सो अमेजिंग गाइस। तो आप लोग मेरे को उस कमेंट्स में जरूर से बताना अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए यार रोब्लॉक्स के ऊपर, जिसमें अपन लोग यार ऐसे बहुत सारे मस्त मस्त चीजें करेंगे और भी सुपर हीरोज की लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे और भाई आपके लिए अमेजिंग वीडियोस क्रिएट करेंगे। सो या गाइस, दैट इज गोना बी इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वन। इफ यू डिड, आपको पता है क्या करना है। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।